हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसएसबी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जो कि साल भर के अंदर जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जीआई टैग से बने हुए हैं, और जो भी अपकमिंग आपके एग्जाम आएंगे उन सभी में आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2018 से अगस्त 2019 तक के जितने भी आपके प्रमुख जीआई टैग हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग हैं, उन सभी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग का आप जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही साथ इसका एक लोगो भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा भी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये आपका हिंदी में है, और इंग्लिश में इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। तो इसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। साथ ही साथ चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स को। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे आपने टैग देख लिया होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसमें कि इंडिया में सबसे पहले जो जीआई टैग था वो किस चीज़ को मिली थी। ये दार्जिलिंग की चाय को मिली थी, 2004 से 2005 के बीच में मिली थी। सबसे ज़्यादा इंडिया में जीआई टैग किस स्टेट में मिला है, किस स्टेट के प्रोडक्ट्स मिला है, तो वो कर्नाटका को मिला है। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, इसमें स्टेट वाइज सारी चीज़ डिस्कस करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। और एक चीज़ और, जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो WTA के द्वारा प्रदान किया जाता है 1999 के एक्ट जो था उससे, और 2003 से इंडिया में प्रोवाइड किया जाने लगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका को लेके। तो कर्नाटका में सबसे फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स कर्नाटका में है, तो यहाँ हम देख लेते हैं। और इसको डिस्कस करने पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी भी चीज़ को जियोग्राफिकल टैग इंडिकेशन या जीआई टैग प्रदान क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखेंगे सारी चीज़ को। फ्रेंड्स, जीआई टैग जो होता है वो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया का कोई यूनिक प्रोडक्ट हो सकता है, जो अपने विशेष पहचान के लिए जाना जाता है, आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है। बढ़ते डिमांड को देखने के साथ में इसके फेक प्रोडक्ट पे भी, फेक प्रोडक्ट की भी इंक्रीमेंट हो जाती है, इसी चीज़ को लेकर जीआई टैग प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ जीआई टैग में, जीआई टैग जो दिया जाता है इसके जो एक्ट है, जैसा कि हमने बताया कि 99 एक्ट के थ्रू 2003 में इंडिया में शुरू हुआ, तो इसमें सजा का भी प्रावधान है अगर फेक प्रोडक्ट यूज किया जाता है। कुल मिलाकर इसका एक स्पेशल आइडेंटिटी देना होता है, जिसकी पहचान हमेशा, चाहे वो यूनिक तरह, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो जिस तरीके से हो, हमेशा बने रहने के लिए। तो अब बारी बारी से इसमें डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपका है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है, ये कोडागो जो, देखो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बता दूँ, अरेबिक कॉफ़ी आपके काफ़ी सारे वो में मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी मिले कोडागो जिला कर्नाटका में। चिकमंगलूगर अरेबिका कॉफ़ी है मन्नार जिला में, विशेष स्वाद सुगंध के लिए जाने जाते हैं, ये भी है कर्नाटका में। बाबू बुदन गिरीज अरेबिका कॉफ़ी है, ये भी आपका कर्नाटका में। एक है कोल्हापुरी चप्पल, यहाँ से दो चीज़ें, एक महाराष्ट्र में, एक यहाँ पे कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में धारवाड़, बीजापुर, बेलगाम, इनके स्पेशल आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक सिरसी सुपारी कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में पाया जाता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें डिस्कस कर लेते हैं केरल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है आपका मरयूर गुड़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है केरल के इडुक्की जिले में, ठीक है। रोबस्टा कॉफ़ी है वायनाड जिले में, अभी फिर से कॉफ़ी आ गया। तिरूर सुपारी जो है वो आपका है यहाँ पे केरल में, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट, और साथ में डिस्कस कर लेते हैं और जो अदर प्रोडक्ट हैं। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, वहाँ पे मगही पान सबसे पहले ही था, शाही लीची को, कतरनी चावल को, जर्दालू आम को, सिलाव खाजा को, वही खाजा जो मतलब शादी वगैरह में बनता है। तो ये 5 प्रोडक्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ये बिहार के हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि इसको भी आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो ये जो अल्फांसो आम है, ठीक है, अल्फांसो आम है, सांगली हल्दी है, कोल्हापुरी चप्पल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ा सा पीछे डिस्कस किया, तो ये कोल्हापुर में, सोलापुर में और सांगली डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। ये है आपका ईरोड हल्दी, तिरुभवनम सिल्क साड़ियाँ, ठीक है, पथम डाई चटाई, ये भी अभी इस रिसेंट में मिला है आपका 2019 में, पंचामृतम, ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स, और साथ ही साथ जिनको एक स्पेशल किसी स्टेट में केवल एक प्रोडक्ट को मिला है उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे, जो मोस्ट अवेटेड है या कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है।
ये है आपका यहाँ से कंधमान हल्दी ओडिशा में, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश में, बोका सवुल चावल असम में, मिजो पुंजई रंगीन चावल है वो आपका मिजोरम है, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी है वो आपका आंध्र प्रदेश में। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट जीआई टैग जो मुझे लगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था, क्योंकि एक वीडियो में इन सब सारे चीज़ को करना काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने स्टेट वाइज डिस्कस किया है तो काफ़ी आसान हो गया है। और साथ ही फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ढेर सारी लिंक आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको ऊपर लिंक के थ्रू मिल जाएगी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो के जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे आपको, उनको भी प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जो आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर का एग्जाम होने वाला है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।